कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान का भरपूर साथ देने का अज़्म, अमेरिका मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अमेरिकी सफीर पॉल डब्ल्यू जॉन्स ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। मुल्क भर में कोरोना के साए बरकरार, अमेरिकी सफीर पॉल डब्ल्यू जॉन्स की जानिब से कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के नाम खत में इस अज़्म का इजहार किया गया कि हम मिलकर मुश्तरका कोशिशों से कोरोना जैसी वबा का फैलाव रोक सकते हैं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ तआवुन को फरोग देगा। अमेरिकी सफीर ने यकीन दिलाया कि अमेरिका पाकिस्तान को कोरोना टेस्ट के लिए 3 नई मोबाइल लैब्स फराहम करेगा। इस्लामाबाद में हाईटेक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के कयाम के लिए अमेरिका फंड फराहम करेगा। सिंध, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान में भी ऐसे सेंटर्स के कयाम में मदद की जाएगी। अमेरिकी कम्युनिटी हेल्थ केयर के लिए ट्रेनिंग और मुआवनत करेगी। अमेरिकी सफीर पॉल डब्ल्यू जॉन्स ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को हंगामी सूरत हाल के लिए तरजीही मुल्क के तौर पर नामजद किया है। अमेरिका कोरोना के खिलाफ सेहत की देखभाल के लिए पाकिस्तान की मुआवनत करेगा। उन्होंने कहा, पाकिस्तान को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 2 मिलियन डॉलर की लागत के फौरी लैब और हंगामी सामान फराहम कर रहे हैं। नई शराकतदारी के तहत अमरीकी आवाम की जानिब से पाकिस्तान को 8.4 मिलियन डॉलर फराहम कर रहे हैं।